Hello everyone, today we are going to fill the phase 2 of the CSAS portal together. So here I have already logged in into my CSAS portal, and this will come when you have logged in. You will click on application phase 2, you will click on start, and then your subject mapping will open. अब सब्जेक्ट मैपिंग में क्या करना है, बेसिकली दैट आपके जो ट्वेल्थ में आपके पास एक सब्जेक्ट्स थे और जिसका आपने CUET पेपर दिए, आपको उनको आपस में मैच करना है, बेसिकली दैट्स इट. सो हेयर एज यू कैन सी यहाँ पे लेकिन CUET टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12th, तो मैं वो मैप करूँगी. यहाँ मैंने ऑलरेडी मैप किया हुआ, तो मैं आपको वापस अपडेट करके दिखा रही हूँ. सी मैंने यहाँ इंग्लिश, जो इंग्लिश का CUET दिया है उसको मैंने इंग्लिश कोर से किया है मैच, ठीक है. अकाउंटेंसी का अकाउंटेंसी से, बिजनेस का बिजनेस से. अब लीगल स्टडीज़, मैंने लीगल स्टडीज़ का CUET दिया है बट आई डिडंट हैव दैट इन स्कूल, तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगी, ठीक है. तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपने CUET दिए पर आपके पास स्कूल में नहीं था या वाइस वर्सा, तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, ग्रेट, ठीक है. और फिर फिजिकल एजुकेशन का, मैंने फिजिकल एजुकेशन किया है. देन आई क्लिक ऑन ऑल दीज टू टिक मार्क्स एंड वी आर गोना गो अहेड. ओके, इसके बाद आफ्टर वी हैव मैप्ड आर ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स विद आर CUET के सब्जेक्ट्स, वी विल प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, ठीक है. तो अब बेसिकली यहाँ पे मुझे पूरा दिखा रहा है कि मैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए, मैं कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेबल हूँ. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेबल होगे, जस्ट नॉट कुछ उन वालों के लिए नहीं होगी. जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इफ़ यू डोंट हैव मैथ्स देन आर यू नॉट एप्लीकेबल फॉर इको ऑनर्स. तो बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होना इज कंपलसरी, तो आप उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो. तो बेसिकली यहाँ प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में इट्स शोइंग मी कि मैं किन किन के लिए एलिजिबल हूँ. तो मैं बस चेकआउट कर लूँगी उसको, देन आई विल गो टू प्रोसीड टू प्रेफरेंसेस सिलेक्शन. हेयर फाइनली दिस इज द मेन टास्क, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप है कि हमें प्रेफरेंसेस फिल करनी है. आई वुड सजेस्ट प्लीज़ थॉटफुली प्रेफरेंसेस फिल करना है, एटलीस्ट फर्स्ट 30 बहुत थॉटफुली करना है. ऐसे कुछ भी मत भर देना बिकॉज यहाँ पे आपका फ्यूचर इज एट स्टेक, ठीक है. बिकॉज CUET पोर्टल आपको सिर्फ एक आपकी प्रेफरेंस पकड़ा देगा कि अकॉर्डिंग टू योर स्कोर दिस इज द कॉलेज और दिस इज द कोर्स यू आर गेटिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, दैट्स इट, ठीक है. पहले कट ऑफ सिस्टम में क्या होता था, एटलीस्ट आपको चॉइसेस मिलती थी कि हाँ मेरी 96% आई है एंड इन 3-4 कॉलेजेस में 96% अबव में कट ऑफ है, तो मैं एटलीस्ट आई यूज्ड टू हैव ऑप्शंस. बट CUET की वजह से वो ऑप्शन वापस कम हो जाता है, ठीक है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. तो अब यहाँ पर मैं यहाँ देखे ना फिल्टर बाय प्रोग्राम्स और कॉलेजेस, आई एम गोना सर्च फॉर एग्जांपल आई वांट टू फिल फॉर बीकॉम ऑनर्स, तो मैं बीकॉम ऑनर्स कर दूंगी. आई एम गोना अप्लाई द फिल्टर, नीचे मेरे को बीकॉम ऑनर्स से सारे कॉलेजेस दिख जाएंगे. जो मुझे कॉलेज सबसे टॉप पे चाहिए, सबसे टॉप पे जो मैं कॉलेज चाहिए, मैं वो सेलेक्ट करूँगी. जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ श्रीराम, ठीक है. ऑल्सो वन मोर टिप हियर कि टॉप पे अपनी गोल कॉलेजेस और जो सबसे टॉप कॉलेजेस है DU के वही भरना. ऐसे मत करना कि मेरा CUET स्कोर कम था तो फिर मैं कोई लो कट ऑफ वाला कॉलेज कर देती हूँ. नो, अब सबसे टॉप कॉलेज बीकॉम ऑनर्स का मेरे हिसाब से, मेरे को, मैं चाहती हूँ श्रीराम हो, तो मैं श्रीराम ये एड टू टॉप कर दूंगी. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा सिलेक्टेड प्रेफरेंस आ गया. अब मैंने बीकॉम का आपको करके दिखा दिया, अब मैं एक कॉलेज का करके दिखाऊंगी. सो लेट्स सी, मैं कॉलेज में लेती हूँ हिंदू, ठीक है. मैं हिंदू कॉलेज पे क्लिक करूंगी, मैं अप्लाई फिल्टर करूंगी, फिर जो हिंदू में सारे मेरे को कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं वो नीचे आ गए हैं. नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन द वन दैट आई वॉन्ट विच इज बीकॉम ऑनर्स येरा, एंड मैं उसको कर दूंगी ऐड टू प्रेफरेंस नंबर 2. ओके, ठीक है. अब एज यू कैन सी यहाँ राइट साइड में श्रीराम कॉलेज भी आ गया है एंड हिंदू कॉलेज भी आ गया है. ऐसे कर करके आई मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट, एंड एज आई सेड अर्लियर फर्स्ट 30 बहुत रिसर्च करके बनाना प्लीज़. एंड देन आई एम गोना गो टू प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन. आई वुड से कि एकदम स्टार्टिंग में ही अपना जल्दी जल्दी कॉलेजेस फिल करके सबमिट मत कर दो प्रेफरेंसेस, ठीक है. आई वुड से कि वेट, अभी यू हैव टाइम टिल 25 जुलाई, राइट. तो तब तक वेट करो और रिसर्च करो, लोगों से बात करो कॉलेजेस की कि कौन से कॉलेज में क्या क्या होता है, ठीक है. तसल्ली से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ अपनी, ऐसी एक दिन में पूरी बना के मत सबमिट करो, ठीक है. तो बस आई वुड से कि सेव योर प्रेफरेंसेस बट डोंट सबमिट देम येट, ठीक है. और बस इतने पे यू कैन स्टॉप.
सो दैट वॉज इट. आई होप इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आपको प्रेफरेंसेस अपनी कैसे बनानी है. इफ़ यू वॉन्ट कि आपके पर्सनल डाउट सॉल्व हो, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन डी एम अस ऑन इंस्टाग्राम.